अगला जो आपका टॉपिक दिया गया यहाँ पर, दशा दोहन से संबंधित दो सिद्धांत दिए गए हैं, जैव शक्तिवाद के सिद्धांत। रसा दोहन की क्रिया से संबंधित जैव शक्तिवाद के क्या दिए गए हैं, सिद्धांत दिए गए हैं। रसा दोहन की क्रिया को समझाने के लिए या इसको स्पष्ट करने के लिए क्या किया गया, जैव शक्तिवाद के अंतर्गत दो सिद्धांतों का प्रतिपादन यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहला जो सिद्धांत दिया गया है, इसे हम क्या कहते हैं, गॉड लेवस्की का सिद्धांत। ये वैज्ञानिक हो जाएंगे। रसा दोहन की क्रिया से संबंधित जैव शक्तिवाद के दो सिद्धांत दिए गए हैं। पहला जो सिद्धांत होता है इसे हम क्या कहते हैं, गॉड लेवस्की का सिद्धांत कहते हैं। और जो दूसरा सिद्धांत होता है इसे हम क्या कहते हैं, जेसी बॉश का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा हो जाएगा, जेसी बॉश का सिद्धांत हो जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे गॉड लेवस्की का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जाइलम होता है, जो इस जाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं हम क्या कहते हैं, मृतक। माने चार प्रकार की जाइलम में कोशिकाएं, चार प्रकार की जाइलम में पाई जाती हैं, चार प्रकार की फ्लोएम में पाई जाती हैं। जिसमें से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो जाइलम होता है, जाइलम की जो मृतक कोशिकाएं होती हैं, इन मृतक कोशिकाओं में एक पंपिंग की क्रिया होती है। पंपिंग कौन सी क्रिया होती है, पंपिंग की क्रिया होती है, पंप की तरह काम करती हैं। सीधी सी बात यह है, गुड़लेवस्की सिद्धांत के अनुसार जाइलम की जो मृदुता कोशिकाएं होती हैं, इन मृदुता कोशिकाओं में कौन सी क्रिया होती है, पंपिंग की क्रिया होती है। पंपिंग की क्रिया ना समझे तो यहाँ पे समझ जाए, स्पंदन की क्रिया होती है। जैसे हृदय में स्पंदन होता है, रक्त निकलता जाता है, आता जाता है, वही यहाँ पे पंप की तरह काम तो करता है हृदय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मृदुता कोशिकाएं होती है इनमें पंपिंग की क्रिया होती है, या फिर क्या कहा जाता है उसी को, स्पंदन की क्या होती है, क्रिया होती है। जिसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है, दबाव उत्पन्न होता है। पंपिंग या स्पंदन की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप दबाव उत्पन्न होता है। इसी दबाव के कारण जो जल होता है, यह जल कहाँ पे चढ़ता है, ऊपर की ओर, पौधे में ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। कहाँ पे चढ़ता जाता है, ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। इसे पंपिंग की क्रिया के कारण इसे विले पंप का सिद्धांत भी कहा जाता है। रसा दोहन की क्रिया को समझाने के लिए जैव शक्तिवाद में दो सिद्धांतों को मुख्यतः समझा किया गया। पहला जो सिद्धांत है इसे हम क्या कह रहे हैं, गौर लेवस्की का सिद्धांत कह रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो जाइलम होता है, जाइलम की जो मृदुता कोशिकाएं होती हैं, इन मृदुता कोशिकाओं में पंपिंग या स्पंदन की क्या होती है, क्रिया होती है। उसके फलस्वरूप में क्या होता है, एक दबाव उत्पन्न होता है। और इसी दबाव के कारण जो जल होता है, ये पौधों में कहाँ पर चढ़ता जाता है, ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। इसी कारण इस सिद्धांत को रिले पंप का सिद्धांत भी कहा जाता है। माने गॉड लेवस्की के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, रिले पंप के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा सिद्धांत किसका दिया गया, वैज्ञानिक जेसी बॉश। इस यह आपको मालूम होगा, ये आपके भारतीय वैज्ञानिक है, भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बॉश। इनने क्या किया था, इस सिद्धांत के अनुसार कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं होती है, इन्हें बताया कि जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स को समझा, कॉर्टेक्स को बलकुट भी कहा जाता है। कॉर्टेक्स आपका इंग्लिश वर्ड है, कॉर्टेक्स को क्या कहा जाता है, बलकुट भी कहा जाता है। तो वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के अनुसार, यानी के अनुसार ने बताया है कि जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं होती हैं, इन कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में क्या होता है, स्पंदन होता है। क्या होता है, स्पंदन। कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में क्या होता है, स्पंदन होता है। जिसके फलस्वरूप जो जल होता है, ये कहाँ पर चढ़ता जाता है, ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। इनने बताया था कि जो जाइलम की मृदुता कोशिकाएं होती हैं, उनमें पंपिंग की क्रिया होती है। और जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में क्या होता है, कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में स्पंदन होता है, स्पंदन की क्रिया होती है। इस स्पंदन की क्रिया के कारण ये जो जल होता है, ये कहाँ पर चढ़ता जाता है, ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। अब बोस के कॉर्टेक्स में जो स्पंदन की दर को प्रदर्शित करने वाला एक, इन्होंने क्या किया, एक यंत्र को उपयोग किया, जिसके अनुसार उन्होंने क्या किया, उस स्पंदन की क्रिया को प्रदर्शित किया, जिसको क्या कहा जाता है, क्रिस्कोग्राफ कहा जाता है। ये वर्ड आपको मोस्टली याद करना है। जेसी बॉश ने स्पंदन को दर को नापने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया था, जिसे क्या कहा जाता है, क्रिस्कोग्राफ कहा जाता है। या इसी का अगला नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक प्रोब। या तो इसे आप क्या कहेंगे, कॉस्कोग्राफ कहेंगे, क्रिस्कोग्राफ कहेंगे, या फिर इसी को क्या कहेंगे आप, इलेक्ट्रिक प्रोब कहेंगे। तो ये आपके जैव शक्तिवाद के दो सिद्धांत हो जाएंगे, गॉड लेवस्की का सिद्धांत और जेसी बॉश का सिद्धांत।